नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा अंडमान की सेलुलर जेल के बारे में। दोस्तों बने रहें मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती रहे। सेलुलर जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 694 सेल्स होती थी। इन सेल्स के कारण ही इसको सेलुलर जेल कहा जाता था। इसको काला पानी की जेल भी कहते हैं क्योंकि काल पानी इसको पहले बोला जाता था। काल का मतलब होता है समय। यहाँ पर जो एक बार आ जाता था उसका मरना लगभग निश्चित होता था क्योंकि अगर भाग भी गया तो यहाँ से वो वहाँ के जो आदिवासी हैं उनके द्वारा मारा जाएगा। अगर नहीं कहीं गया तो उसके बाद जो है चारों तरफ से पानी से घिरा है फिर वैसे मारा जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ से जाना असंभव था। तो पहले के लोग इसको बोलते थे कि ये काल पानी की जेल है, यानी काला पानी की जेल है। दोस्तों ये जेल बनकर तैयार हुई 1906 में है। बोला जाता है कि इसको 1893 से, कुछ लोग इसको 1896 से भी बोलते हैं, 10 या 13 साल के अंदर ये बनकर तैयार हुई। इसको स्टार फिश के एक मॉडल के रूप में तैयार किया गया और इसकी जो ईंटें हैं ये फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बनाई गई। फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत मेहनत से इस ईंटों को बनाया और इसमें जो लगे लोहे के बार हैं वो लोहे के बार बर्मा से मंगाए गए थे। फिलहाल इसमें 3 विंग बची रह गई हैं 7 में से और 4 विंग टूट गई हैं। 4 विंग के टूटने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे 1941 का भूकंप और जापानियों का अटैक, और तीसरा एक जीबी पंत हॉस्पिटल जो यहां पर बना हुआ। 1938 तक इस जेल को अंग्रेजों ने यूज़ किया, उसके बाद छोड़ दिया और 11 फरवरी 1979 को इसको नेशनल हेरिटेज बना दिया। जैसा आप देख सकते हैं ये राजनीतिक बंदियों के नेक रिंग, कपड़े और उसके अंदर लॉक एंड की रखी हुई है। ये सब चीज़ें डिमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आज भी रखी हुई है। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, वीर सावरकर को प्रणाम करते हुए, देश के प्रति उनका समर्पण और त्याग की भावना को देखते हुए। ये वो आज़ादी के दीवाने हैं जिनकी फ़ोटो गैलरी में लगी हुई है। इनके नामों से गैलरी पटी पड़ी है। आप आकर यहाँ ज़रूर विजिट करें और इनके बारे में जानें। दोस्तों ये है वो स्वतंत्र ज्योति जिसमें ये ज्योति 24x7 365 डेज जलता रहता है। और ये है पूरे भारत के शहीदों को श्रद्धांजलि देता हुआ शहीद स्मारक। ये है लाइट एंड साउंड शो चलने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट जो ओमपुरी जी की आवाज़ में बोला गया है। आप आकर इसको जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इसी में आपको पता चलता है देश के शहीदों ने कितने बलिदान दिए हमारे देश को आज़ाद कराने में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बेल को जरूर दबा दें जिससे मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप इनका लाभ उठाते रहें और इसको शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों अब मैं ले चलूँगा आपको सेल में जहां पर कैदियों को फांसी से पहले रखा जाता है। ये सामने के 4 सेल हैं, ये कंडेम्ड सेल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर अंतिम प्रेयर धर्म के अनुसार होती है। अब आपको ले चलेंगे ऑयल मिल की तरफ जहां कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहां 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना जरूरी होता था हर एक कैदी को, या 10 पाउंड मस्टर्ड ऑयल निकालना जरूरी होता था। ये आपको देख सकते हैं ये ऑयल निकालने वाले कोलू हैं। और जो भी कैदी ये शर्तें पूरी नहीं कर पाता था उसको कोड़े बरसाए जाते थे और बहुत यातनाएँ दी जाती थी। देख सकते हैं इस तरह से नारियल तोड़े जाते थे और उसके बाद ये जो कोलू है इसमें पिलाया जाता था और नारियल का तेल निकाला जाता था। तो बहुत यातना करके ही ये आज़ादी हमको मिली है और इस आज़ादी को हम बनाए रखें। और ये देख सकते हैं ये दूसरा ऑयल मिल है और कैसे तेल निकाला जाता था और जो पूरा नहीं कर पाता था, जैसा मैंने बताया, देखिए कैसे उसको 3 तरफ से बांध करके जो हंटर मारे जाते थे और उसका जो है चमड़ी उतार दी जाती जिससे उसको हमेशा दर्द बना रहे, परेशानी बनी रहे। इस तरह से हमारे दीवानों ने देश की आज़ादी हमें दिलाई। तो दोस्तों यह है वो पनिशमेंट ड्रेस जिसको गनी बैग का बनाया जाता है। इसको पहनने के बाद शरीर में इचिंग, खुजली और बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खतरनाक जो है ना हमारे लिए यातनाएँ सही हैं उन्होंने। तो आप इसको देखें समझें। तो ये अलग अलग प्रकार की चेन है जो अलग अलग प्रकार के कैदियों को पहनाई जाती है। अब मैं आपको ले चलूँगा फांसी घर की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये फांसी घर है। इसमें 2-3 कुछ चीज़ें ओरिजिनल रह गई हैं, जैसे कि ऊपर जिस रूप में ये लटका हुआ है बार वो ओरिजिनल है और ये लीवर ओरिजिनल है और नीचे जो फट्टा लगा हुआ है जो वो ओरिजिनल है, बाकी सब बनाया गया है। दोस्तों मैं एक बार में 3
कैदियों को यहाँ फांसी दी जाती थी। इसमें जो रस्सियाँ हैं वो बाद में लगाई गई हैं, तो ये चीज़ें अभी ओरिजिनल नहीं है। तो आपको ये ले चल रहा हूँ नीचे, जहाँ पर फांसी पाने के बाद जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जहाँ पर यहाँ नीचे रहते थे, यहाँ से उनको बाहर ले जाया जाता। तो ये भी ओरिजिनल है, ये जगह भी ओरिजिनल है। तो देखिए दोस्तों, कैसी यातनाएं सही हमारे लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी है हमको स्वतंत्र कराने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। उनको कोई चाह नहीं थी अपने लिए, कोई अपने लिए कुछ नहीं चुना, लेकिन चुना तो देश को चुना। तो आप समझें, इस आज़ादी को पहचानें और उन आज़ादी की दीवानों की कदर करें। अब मैं ले चलूँगा आपको उन सेल्स की तरफ जहाँ हमारे आज़ादी के परवाने यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहा करते थे। ये हैं वो सेल्स जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी को रखा जाता था, और उनको यहाँ से 3 फीट ऊपर ये जो खिड़की है दिखाई दे रही वो होती थी, और इसी खिड़की से ही उजाला आता था। इससे एक दूसरे से संपर्क बिल्कुल नहीं हो पाता था। तो ये वो गैलरी है जहाँ जो सेल्स बने हैं, ये सेल्स हैं। ये तो नॉर्मल सेल है, लेकिन इसके बगल में जो अरेंजमेंट बनाया गया है, ये है लॉकिंग अरेंजमेंट। ताला यहाँ लगाया जाता था, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ताले की व्यवस्था रहती थी। तो आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों ने इतना दिमाग लगाया, क्योंकि अगर कोई गलती से भी ताला बाहर से हाथ डालकर खोल ना पाए, ऐसी व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। तो आप देख सकते हैं ये जो ईंटें इसमें लगी हैं, सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई थी। इस तरह से उन कैदियों को या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें रखा जाता था। और ये तो खैर चौकीदार वाला सेल है, क्योंकि ये डबल डोर वाला है। तो आप अब चलेंगे वीर सावरकर के रूम में। तो सेकेंड फ्लोर पर बना हुआ वीर सावरकर का जो ये रूम है, इस विंग के एकदम अंतिम छोर पर है, ताकि बाकी कैदियों से उसका मेल मिलाप, बात या कोई भी प्लानिंग ना बन पाए। इस तरह से उन्होंने ऐसा प्लान किया था। तो आप चलेंगे धीरे वीर सावरकर के रूम में। तो ये है वो रूम वीर सावरकर का, वो सेल जिसमें वो अपने जीवन के 10 साल गुजारे थे, और कठिन यातनाओं से उस जीवन को गुजारा था उन्होंने। दोस्तों, वीर सावरकर जो हैं लंदन में रहते हुए देश की स्वतंत्रता की आज़ादी का मुहिम चला रहे थे। वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके 1911 में यहाँ पोर्ट ब्लेयर की जेल में लाया गया। दोस्तों, जब उनको लंदन से अरेस्ट करके फ्रांस के रास्ते भारत लाया जा रहा था पानी के जहाज़ से, तो वो कूद कर उन्होंने पानी में बहुत दूर तक स्विमिंग करके फ्रांस में भागने की कोशिश करी, लेकिन फ्रांसीसी अधिकारियों ने उनको पकड़कर ब्रिटिश अधिकारियों को दे दिया, और उसके बाद उनको भारत लाया गया। तो उन्होंने बहुत अपनी कोशिश करी कि वो आज़ाद हो जाएं और निकल करके देश की मुहिम को, जो आज़ादी की मुहिम है, उसको बनाए रखें और आगे बढ़ाते रहें। 1911 के बाद 10 साल की कठोर कारावास के बाद 1921 में उनको यहाँ से रिहा कर दिया गया, और नेक्स्ट 3 साल के लिए उनको महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल में रखा गया, और उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट रखा गया। तो इस तरह से उनका निधन 1966 में हो गया था। पर 7 विंग में से सिर्फ 3 विंग रह गई हैं। एक ये विंग है, दूसरी ये है, और तीसरी ये है। इस तरफ है जीबी पंत हॉस्पिटल, 4 विंग की तरफ पूरा जीबी पंत हॉस्पिटल आ गया है, और आपके इस तरफ जो है वो नॉर्थ पॉइंट है, जिसको नॉर्थ बे भी बोला जाता है। और इस तरफ है मेरे सामने जो आप देख सकते हैं, ये है रॉस आइलैंड। दोस्तों, ये है वो टॉप प्लेस जहाँ पर एक घंटा हुआ करता था, और वो घंटा तभी बजता था जब यहाँ के कैदियों को फांसी की सज़ा सुना दी जाती थी और उनको फांसी दे दी जाती थी। तो पोर्ट ब्लेयर निवासियों को यह संदेश देने के लिए, और एक और कैदी या एक और स्वतंत्रता सेनानी आज फांसी की भेंट चढ़ गया है। मैं इस देश को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा बलिदान, मत भूलिए आज़ादी की कीमत, ऐसा वो वीर कहते थे। इस आज़ादी को पाने के लिए वो लाखों सितम सहते थे। तो ये है वो सेंटर पोर्शन जहाँ से 7 विंग के लिए रास्ता जाता है। जैसे एक विंग के लिए रास्ता इधर से गया है, ऐसे ही दूसरे विंग के लिए रास्ता इधर से गया होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।